हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड नॉट स्टडी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ कि जो वैकेंसीज आ गई हैं सिविल इंजीनियर के, असिस्टेंट इंजीनियर की, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो दैट इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन में जो है वो वैकेंसीज आई हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एग्ज़ाम है वो कब से, एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होने वाले हैं। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताने वाले हैं कि इसमें जो है वैकेंसीज वो कब आने कितनी हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं, पोस्ट सिविल इंजीनियर की पोस्ट नेम है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग, यानी कि सिविल इंजीनियर की है। अनरिजर्व 5 वैकेंसी हैं। EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 1 है, OBC 3, SC 2। ओनली UP डोमिसाइल ओनली जो है वो वैकेंसीज इतनी है। ST की इंडियन, यानी ST की कोई भी इसमें वैकेंसीज नहीं है। तो मेन जो है बात उस पर आते हैं कि इसका जो है पे स्केल कितना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 59,500 एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो हम देखते हैं कि आपके पास, ये तो नॉर्मली है कि सफिशियंट नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड अ डिग्री इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज बाय लॉ इन उत्तर प्रदेश और फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि आप UP से भी अगर हो, अगर आप आउट ऑफ स्टेट, यानी कि अदर स्टेट के भी हो, अदर स्टेट की अगर डिग्री हो तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। एंड BTech या BE कोई भी हो, उसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और एज इसकी जो है मिनिमम लिमिट 21 है, मैक्सिमम 40 है। एंड रिलैक्सेशन इन अपर एज, तो वो OBC ST का लिए 5 ईयर रहती है। एंड और मेन जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे जो है एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे कि लाइक अलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाज़ियाबाद, मेरठ, नोएडा सिटी, ETC, तो सारे जो हैं वो है अपना एग्जामिनेशन सिटी हैं। एंड और भी अब हम देखते हैं कि इसकी मेन इम्पोर्टेंट है कि 20.25 यानी इसकी 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। और इसका अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 75 जो क्वेश्चन है सेल बी फ्रॉम द बैचलर इंजीनियर लेवल, यानी कि 75% जो है वो सिविल इंजीनियर से जो क्वेश्चन आएंगे। एंड 10% जनरल नॉलेज का है, 10% क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, 5% क्वेश्चन ऑफ हिंदी। तो ये जो है वो सिलेबस में है कि इसमें सिविल इंजीनियर का आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगा एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड आएगी, 5 नंबर का हिंदी आएगा। तो इसमें हिंदी आई थिंक यूपी में मैक्सिमम आता ही है हर एग्ज़ाम में, तो हिंदी कंपलसरी है, बट 5 नंबर का आएगा इसमें। एंड इसमें दिया गया है कि 30% से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर स्टेज, यानी कि सेकंड स्टेज के लिए नहीं आपको अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 स्टेज रहेंगे, जो कि फर्स्ट अपना रिटर्न होगा, सेकंड होगा इंटरव्यू। सो इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन नहीं किया जाएगा अदरवाइज, कि अगर बिकॉज 30% से अगर आपका कम हुआ तो। एंड नेक्स्ट हमारा आते हैं कि सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस सेम गेट का रहेगा, साफ दिया गया, क्लियर दिया गया कि द सिलेबस फॉर द सिविल इंजीनियर विल बी सेम एज द गेट, यानी कि सिलेबस गेट का रहेगा। बट हम ये बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चंस है वो गेट लेवल के नहीं आएंगे, वो क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपने अभी आई थिंक दिया हुआ एग्ज़ाम UPSC का, तो उस लेवल का ये जो है वो एग्ज़ाम आएगा। यानी कि इस क्वेश्चंस में हम ये बोल सकते हैं इस पेपर में कि जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, IES लेवल के तीनों कंबाइन करते हैं क्वेश्चन, तो तीनों कंबाइन मिलकर इसमें क्वेश्चंस आएंगे। ट्रेनिंग क्या है, द सिलेक्शन कैंडिडेट हैज़ टू अंडरगो अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अ पीरियड डिसाइडेड बाई UPPCL, यानी कि जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो UPPCL के डिसाइडेड वही डिसाइड करेंगे, बट अभी ऐसा कोई कन्फर्म नहीं किया गया है। एंड फीस कितनी है इसकी, 700 है फॉर SC एंड ST, और 1000 है वो अनरिजर्व कैटेगरी की है, और 1000 वो कैंडिडेट फॉर द स्टेट, यूनियन टेरेटरीज और अदर स्टेट। सो एंड और नेक्स्ट आते हैं कि फिजिकल फिटनेस में क्या दिया गया है, नो पर्सन सेल बी अपॉइंटेड टू द सर्विस अनलेस ही बी इन गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थी। सो इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि अनलेस ही बी इन गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ। सो दैट अप्लाई आप देख सकते हैं कि अगर ये अप्लाई, ये आप इस साइट पर जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एंड अब मेन आते हैं कि स्टार्ट कब से होने वाला है। तो यहाँ देखते हैं कि
ऑनलाइन सबमिशन जो होगा वो 5 जनवरी से, यानी कि 5-1 से स्टार्ट होने वाला है, 27-1 तक इसका जो है एंड पीरियड है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस थ्रू तो वो इतनी है, वही सेम है। एंड 29 तारीख है जो कि SBI चालन ऑफलाइन है, तो वो इतनी तारीख तक है। लास्ट वीक इसका एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है कि लास्ट वीक फेब में होगा, वही सेम है कि अगर ये अब यहाँ देख सकते हैं कि एग्ज़ाम गेट का भी एग्ज़ाम फेब में है, तो इसका भी जो लास्ट वीक है फेब में होगा। एंड वही है कि फेब में इसका होगा, इसका ऐसे ही गेट का है, तो गेट लेवल के कोर्सेज नहीं आएंगे, मैं ये बताने वाला हूँ। गेट का जो सिलेबस है आप वो देख सकते हैं, एंड लेवल उसका जो अभी आया है AE का वही सेम लेवल आएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड हो सके तो आप इसका फॉर्म भी फिल कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, और आप बेल आइकन बटाना दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो मेरे आए तो आप नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। सो थैंक यू सो मच अगेन।